So dear students, today you will learn how to make square root of square root spiral. Square root spiral up to square root of 5. For the sample or the for the example, यहाँ आप बना रहे हैं square root spiral up to square root of 5 and the same step you have to repeat for the further, जैसे square root of 7 तक बनाना हो या square root of 11 या square root of 20 या जितना भी आगे बनाना हो, the same step you have to repeat. But for the sample, for the example, I will make here up to square root of 5. और साथ में उसका हम verification भी करते रहेंगे. That verification भी बहुत important है after making the square root. Now see one more important thing in making up the square root spiral आप centimeter में भी बना सकते हैं और inches में भी. But see the centimeter की जो scales है, centimeter की जो units हैं या distance है, ये बहुत छोटे होते हैं. तो अगर बनेगा square root that will not be much clear. So it is better to make the square root with the help of the inch scale. So first step is make the straight line in the inch scale. Make the straight line in the inch scale. यहाँ से start है ये, और in the inch scale you make a straight line. And after making the straight line, यहाँ पे start है that will be origin O. फिर यहाँ पे एक point लिखा, that is 1 inch. Then here 2 inch, here 3 inch. ऐसे आप point mark कर दीजिए. So this is the first step to make the straight line. This is starting point. So let us suppose to be A. यहाँ पे 1 है. Let us suppose that this point is A. This is यहाँ पे 2 है. Let this point is B. Here is 3. Let this point is C. So first step is clear. Make the straight line with the help of the inch scale. Now you have the next step is at point A. अब आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ऑफ लेंथ 1 inch. सो परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ 1 inch, दिस इज द प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर आप रखिए 1 पे और उस लाइन पे प्रोटेक्टर, और जहाँ पे 90 डिग्री आपको दिख रहा है 90, यहाँ पे आप ऐसे एक पॉइंट मार्क कर दिए 90 डिग्री पे एक पॉइंट. देन यू टेक द स्केल, और फिर स्केल से आपको ड्रा करना है केवल 1 inch का. तो 1 inch का है तो ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पे आप कोई भी इंच वाला नोटेशन है, यहाँ पे इंच है, ये इंच है, यहाँ पे ऐसे इसको पुट कर लीजिए ये, और ऐसे परपेंडिकुलर कि स्केल आपको इस जो डॉट आपने पुट किया था परपेंडिकुलर वाला उसको टच करे, और यहाँ पर ये है और 1 inch. देखिए यहाँ पर ये 1 inch है, ये 1 inch है, ये 1 inch है. तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप फिक्स कर दीजिए, ऐसे 3 पे 4 पे टाइप पे, ये ऐसे या यहाँ पे ऐसे या यहाँ पे ऐसे कहीं भी. तो यहाँ पे आपने इसे फिक्स कर दिया और ये डॉट लाइन मिला दिया, और यहाँ पे एक मार्क कर दिया जहाँ पे वो 1 inch हो रहा है. तो जहाँ पे 1 inch हो रहा है यहाँ पे एक मार्क कर दिया ऐसे, और ये के परपेंडिकुलर आपने ड्रा कर दिया, और इसकी लेंथ होगी 1 inch. आफ्टर दैट let this point is A, B, C तक आप ले चुके हैं. Let this point is D. Let this point is D. Then with the help, ये कोई बहुत important नहीं है. Then with the help of the dot line, you join O, D. O, D join. O, D join. अब देखिए verification, ये 1 है, ये भी 1 है. So see here the verification. Verification is O D square by Pythagoras theorem. O D square is equal to 1 or 1, 1 to the square or plus 1 ka whole square, and that is equal to 1 plus 1, means O D square is equal to 1 plus 1, 2, then O D is equal to square root of 2. मीन्स ये वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2. ओ डी है स्क्वायर रूट ऑफ 2. दिस वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ 2.
अभी आपका स्क्वायर रूट आप 2 तक का नहीं बनाया है, नेक्स्ट स्टेप इज इम्पॉर्टेंट, आप नीडिल ऑफ द कंपास आप पुट करिए ओ पे, ऐसे ओ पे, और ये जो प्रक्रिया है पेन या आप बनाएंगे पेंसिल से उसको फिक्स करिए डी पे, ऐसे ओ, ये ओ पे, नीडिल ऑफ द कंपास विल बी एट पॉइंट ओ एंड दिस पेंसिल विल बी एट पॉइंट डी एंड ड्रा एन आर्क लाइक दिस। तो जिस पॉइंट पे वो स्ट्रेट लाइन को कट करेगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपका स्पायरल बन गया स्क्वायर रूट ऑफ स्पायरल अप टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ रिपीट द सेम स्टेप मींस जो ये जो ओडी लाइन है ओडी पे आप प्रोटेक्टर ऐसे रखिए, ये प्रोटेक्टर और ये प्रोटेक्टर की जो ये प्रोटेक्टर की जो ये लाइन है ये इसका ये पॉइंट, ये लाइन और इसका ये पॉइंट, ये आप रखिए पॉइंट डी पे, जो पॉइंट है उसको डी पे रखेंगे और वो लाइन बिल्कुल उसी ओडी पे रहेगा ऐसे। वंस मोर यू पुट ए पॉइंट, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे पॉइंट पुट करिए। नाउ टेक द स्केल, अब फिर उसी स्केल को आप ऐसे फिक्स करिए किसी भी पॉइंट पे, 3 पे 4 पे 5 पे किसी को भी ऐसे फिक्स कर लीजिए ऐसे, और डॉट लाइन को ऐसे ज्वाइन मिला लीजिए जैसे कि वो डॉट लाइन को टच करे ये। अब 1 इंच का आपको बनाना है तो यहाँ से 1 इंच पे मार्क करिए ऐसे और ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज 1 इंच का होना चाहिए कैसे भी। नाउ यू ज्वाइन दिस ओ एंड दिस पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज ई, सो दिस ओ ई इज इक्वल टू, दिस ओ ई इज इक्वल टू रूट 3। बट स्पायरल बनना है तो वंस मोर यू पुट द नीडिल ऑफ द कंपास एट पॉइंट ओ एंड पेंसिल या पेन जिससे भी आप बना रहे हैं दैट विल बी पॉइंट ई पे। नाउ सी यहाँ पे देखें, ये है ओ पे, नीडिल ऑफ द कंपास ओ पे, और ये पेंसिल जा रहा है पॉइंट ई पे, और एक आर्क ऐसे आ रहा है ये उसी स्ट्रेट लाइन पे। सो अब ये जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन को कट करेगा दैट विल बी रूट 3। अब आपका स्क्वायर रूट स्पाइरल रूट 3 तक कंप्लीट है। नाउ सी द वेरिफिकेशन, ये रूट 2 है और ये 1, सो ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। सो ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन ओ ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपका स्क्वायर रूट ऑफ स्पायरल या स्क्वायर रूट ऑफ स्पायरल इज कंप्लीट अप टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ रिपीट द स्टेप वंस मोर, यू पुट दिस प्रोटेक्टर ऑन लाइन ओ ई। अब इसी बिल्कुल वही स्टेप जैसे आपने किया था, ये प्रोटेक्टर है और ये प्रोटेक्ट की एक लाइन और ये पॉइंट, आप बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको हमेशा ई पे रखना है, फिर डी पे, फिर ई पे, और वो जो लाइन है जो ये वाली लाइन है वो आप फिक्स करिए ओ ई पे ऐसे। परपेंडिकुलर आपने इन द लोअर क्लासेस यू हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर बिल्कुल सेम स्टेप पे, कंपास कोई जरूरी नहीं है, आप प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं। तो ये फिक्स हो गया। नाउ 90 पे एक पॉइंट आपने पुट किया ऐसे, 90 पे एक पॉइंट। नाउ वंस मोर यू हैव टू मेक द परपेंडिकुलर ऑफ ओनली 1 इंच, यहाँ पे पुट फिक्स कर लिया, ये डॉट लाइन को टच कर रहा है ये डॉट लाइन को टच कर रहा है ये लाइन, और नाउ ए परपेंडिकुलर ऑफ 1 इंच, तो यहाँ से यहाँ पे 1 इंच कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे 1 इंच कंप्लीट हो रहा है, ये ई है और यहाँ पे 1 इंच कंप्लीट हो रहा है एक लाइन ऐसे, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ 1 इंच, यहाँ से हटाइए इसको। अब ये जो है ये है 1 इंच। नाउ विद द हेल्प ऑफ द डॉट लाइन या मेन लाइन आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, लेट दिस पॉइंट इज एफ,
This point is F. ये OF हो गया OF, but अभी आपका OF, ये OF की लेंथ होगी स्क्वायर रूट ऑफ 4, लेकिन आपको बनाना है स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट स्पाइरल, नॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल। देन नीडल आपने रखा पॉइंट O पे, और पेंसिल या पेन या जो भी आपके हाथ में है वो आप रखिए पॉइंट F पे, ऐसे फिक्स करिए F पे और ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क। और आपके अगर सारे आर्क सही हैं तो बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्रा स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो अगर सारे आर्क सारी लाइन करेक्ट है तो वो अपने आप ही 2 पे आके रुकेगा। यहाँ पे आपका 2 पहले से आपने फिक्स कर रखा है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू होती है 2, तो इफ ऑल ऑल द आर्क्स आर करेक्ट, योर लाइन इज करेक्ट, योर स्टेप्स आर करेक्ट, तो जो ये है वो अपने आप ही 2 पे ही आएगा। नाउ सी द वेरिफिकेशन, ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 होल स्क्वायर, रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देन ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 4। देन ओ एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब ये है स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल इज कंप्लीट अप टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, बट आपको बनाना है अप टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। वंस मोर, अब आपको फिर आप कंपास लीजिए, वो प्रोटेक्टर लीजिए, और ये प्रोटेक्टर है, तो ये प्रोटेक्टर का जो ये पॉइंट है ये आप फिक्स करिए पॉइंट F पे, और ये लाइन भी OF पे। तो ऐसे यहाँ पे आपने पुट किया ये, और ये लाइन फिक्स और ये पॉइंट फिक्स ऐसे, और जहाँ पे आपको 90 डिग्री दिख रहा है वहाँ पे आप पॉइंट पुट कर लीजिए ऐसे 90 डिग्री पे पॉइंट, और विद द हेल्प ऑफ द स्केल योर पॉइंट इज कंप्लीट। नाउ टेक द स्केल, अब उस स्केल को फिक्स फिर किस इंच पे ही कहीं किसी भी पॉइंट पे ऐसे फिक्स कर लीजिए, ये है आपका, इस पे प्रिंट किया फिक्स किया, और ये लाइन, और आपको ड्रा करना है ए परपेंडिकुलर ऑफ 1 इंच, तो परपेंडिकुलर ऑफ 1 इंच आपने यहाँ पे मार्क किया, ये यहाँ पे 1 इंच कंप्लीट हो रहा है, और ये ड्रॉन दिस वन, लेट दिस पॉइंट इज जी। नाउ ज्वाइन ओ जी, ओ जी लाइन इज ज्वाइन डॉट लाइन से या कंटिन्यूड लाइन से, कैसे भी इज ज्वाइन देयर ओ जी, बट स्पाइरल इज नॉट कंप्लीट। स्पाइरल आपका कंप्लीट तब होगा जब आप यहाँ से, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ओ एफ यहाँ नहीं आना चाहिए, हियर इज, हियर शुड बी एफ, दिस पॉइंट शुड बी एफ, दिस पॉइंट शुड बी एफ, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। नाउ सी वंस मोर, यू पुट द नीडिल ऑफ द कंपास एट पॉइंट ओ, हियर एट पॉइंट ओ नीडिल ऑफ द कंपास, और ये जो जी है इस जी पे आप पेंसिल या पेन जिससे भी बना रहे हैं उसको आप फिक्स करिए ऐसे। नाउ दिस वन नीडिल ऑफ द कंपास इज ए पॉइंट ओ, और ये जो पेंसिल या पेन है वो पॉइंट जी पे है, पॉइंट जी पे। नाउ यू ड्रा एन आर्क, अब वो ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क ऐसे पकड़े कि ड्रा एन आर्क, अब वो जहां पे नंबर लाइन को कट करेगा, यहां जहां भी नंबर लाइन को कट करेगा, तो दिस स्मॉल मिस्टेक हियर, जहां भी नंबर लाइन को कट करेगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल अप टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ए माइन्यूट मिस्टेक हियर, वो जो ये माइन्यूट दैट यू हैव टू वेरी केयरफुल, यहाँ पे फिक्स करिए। सो दिस इज स्क्वायर रूट स्पाइरल अप टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। नाउ सी दैट वेरिफिकेशन, दिस ओ जी स्क्वायर, ओ जी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 टू द होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देन ओ जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5।
So OG is equal to square root of 5. So this was some steps how to make the square root spiral up to square root of 5, and this is your verification with the help of some calculations. So अब आपको root 6 बनाना है, फिर आप वही procedure start करिए, यहाँ से एक perpendicular डालिए, फिर एक arc, वो root 6 हो जाएगा, और ऐसे ही steps आप complete करते रहिए. So your square root spiral will be complete. और जैसे यहाँ पे हमने बनाया square root 5 तक, तो यहाँ से start किया, लेकिन जब आपके पास larger value हो, square root of 7 हो, या square root of 11 हो, या square root of 20 हो, या कुछ भी हो, तो ये point आप कोशिश करिए कि यहाँ पे रहे mid point पे, कि इस left side में आपके पास कुछ place हो, क्योंकि हमको बनाया था square root of 5, तो बहुत ज़्यादा space की ज़रूरत नहीं थी. Square root spiral complete है, up to square root of 5. One more important thing, square root spiral up to square root of 5 आपको बनाना था, तो spiral is, this is enough. ये जो line रहे, OD line, फिर ये OE line, फिर ये OF line, and then this FG line, अगर आप इतना ही बना देते हैं, then square root spiral is complete. ये जो arc है, why this arc is important, अगर आपको ये question दिया हो, make square root spiral and represent square root of 2, square root of 3, square root of 4, या square root of 5 on the number line. तो जब ये question हो कि representing these numbers on the number line, तो ये जो arc है, ये important है. Otherwise, simply अगर आपको square root spiral ही बनाना है, then these arcs are not important. So, यहाँ हम लिख सकते हैं, making the square root spiral up to square root 5, and also representing square root 2, square root 3, square root 4, and square root 5 on the number line. This is also important. अब आपका एक ही डायग्राम में, एक ही फिगर में दो क्वेश्चन हो गया. एक क्वेश्चन making square root spiral up to square root of 5, and also representing square root 2, square root 3, square root 4, and square root 5 on the number line. Once more I will repeat that अगर आपको केवल spiral बनाना है, तो जो ये arc घूम के ऐसे number line पे आ रहा है, that is not much important. अगर आप बना लेते हैं, that is far better. Means लेकिन नहीं बनाते हैं, तो spiral आपका यहीं से इतना ही complete है. Point D, point E, ये line बन जाती है AD, DE, EF and FG. ये जो इतना part है, this is enough for the spiral. और ये बार जो arc है, that is important when you have to draw representing root 2, root 3, root 4 and root 5 on the number line. So this diagram is complete, this project is complete. I hope the steps and the concept and this verification is clear to you. All the best. Thank you.